फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 7:10 और मैंने चाय पी ली है और मैंने चाय पी के हस्बैंड भेज दिए हैं और सुबह सुबह मैं करने लगी अपने पैरों की देखभाल यानी कि फीट केयर। तो मैं वैसे नेल पेंट चेंज करने वाली थी, मैंने सिर्फ रिमूव करनी थी। मैंने सोचा कि चलो बाद में मैं नेल पेंट लगा लूँगी। फिर मैंने देखा कि मेरे पैरों की जो नेल्स हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है थोड़ा सा डीप क्लीन की भी जो क्लीनिंग है वो कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन हो गई थी, जो मेरी ये नेल है ना जो छोटी वाली होती है, तो अभी भी मैंने उतारी है। तो अभी मैं इसको और क्लीन करूँगी आप लोगों के ही सामने। तो इसको बहुत ही जैसे ये वाली है ना, यहाँ पर भी बहुत हार्ड स्किन हो चुकी है। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ पैर थोड़े से ना मेरे ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं, क्योंकि कभी इधर कभी उधर तो पैरों की देखभाल हो ही नहीं पाती है। तो वैसे मैं अपनी जो मैनीक्योर पेडिक्योर किट है वो मैं लेके आई थी, तो अच्छा हुआ ले आई। वैसे मैंने सोचा था कि क्या करनी वहाँ पे, तो ठंडी होती है तो हमेशा सॉक्स पहननी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम आ गई है। तो ये मैंने एक पुराना सा टॉवल जो है बिछा लिया है और ये सारी जो स्किन होती है यहाँ पे वो इससे इजीली निकल जाती है। और ये सारी जो है नेल पेंट है। सच में ये जो टूल्स होते हैं ना ये बहुत काम के होते हैं। सब लेडीज के पास ना ये होने ही चाहिए। तभी जैसे क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से, तभी पैरों पे जो नेल पेंट है ना वो भी लगी हुई मतलब ग्रेसफुल लगती है, नहीं तो ऐसे फिर कटे फटे नेल्स पे नेल पेंट भी अच्छी नहीं लगती। तो क्लीनिंग तो अच्छे से हो गई है, अब मैं कर लेती थोड़ी सी मसाज, उसके बाद नेल पेंट अप्लाई करूँगी।
थोड़ी सी मैं शेप भी बनाऊंगी और फिर नेल पेंट अप्लाई करूंगी और फिर मैं आप लोगों को उसके बाद दिखाऊंगी। आज के दिन नेल पेंट अप्लाई नहीं करूँगी, एक दो दिन ऐसे ही रखूँगी। तो मेरे जो नेल्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गए हैं और हम ऐसे ही लेज़ी हो जाते हैं। केयर करनी चाहिए स्किन की, अपनी है ना, खुद की, मतलब सेल्फ केयर। तो अभी मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।